वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में हम आपके साथ लूपिंग डिस्कस कर रहे हैं। लूपिंग के थ्री टाइप्स है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में व्हाइल लूप के रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डू व्हाइल लूप क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल क्या है। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दिखाएंगे कि जो डू व्हाइल लूप है वो कैसे वर्क करता है। इसके अलावा हम आपके साथ यहाँ पे एक लाइव प्रोग्राम शेयर करेंगे जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि डू व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है लिखने का। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले जो डू व्हाइल स्टेटमेंट है ये एक लूपिंग का स्टेटमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे सेम इन द कंडीशन जैसे हमने व्हाइल लूप में देखी थी कि किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी सिंटेक्स को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, या हम सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे जो सिंटेक्स होता है राइटिंग फॉर डू व्हाइल लूप, सबसे पहले हम डू लिखते हैं, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होता है हम वहाँ पे वो लेते हैं, और उसके बाद जो भी कंडीशन होती है हम वो लेते हैं। हमने व्हाइल लूप में देखा था कि सबसे पहले जब भी हम व्हाइल लूप लेते हैं सबसे पहले हम व्हाइल लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन लेते हैं, सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन जब हमारी ट्रू निकलती थी तब जाके जो स्टेटमेंट थे वो तब जाके एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक की जाती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डू व्हाइल एंड व्हाइल लूप्स। यहाँ पे जो सिंटेक्स डू व्हाइल लूप का है वो दो तरीकों से है। एक यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तब जाके आपको यहाँ पे ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट हो तब जाके आपको यहाँ पे ब्रेसेस की यूज करनी है जिसपे आप मोर देन वन स्टेटमेंट लिख सकते हो। लास्ट में विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम आपको बताएंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट मोर देन वन है तब जाके हमें कैसे लूपिंग का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फ्लो चार्ट देखेंगे डू व्हाइल का, किसी भी प्रोग्राम को या कोई भी लूपिंग का हो या कोई भी टॉपिक जो भी प्रोग्राम में होता है उसके लिए एक फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है कि ये जो सिंटेक्स है या ये जो लूप है वो कैसे रन होता है, वो कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको क्या है कि आपको डू, जैसे हमने आपको बताया कि डू होगा, उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप में हम क्या लिखते हैं कि स्टेटमेंट, जो भी हमें काम करवाना पड़ता है इस प्रोग्राम से वो हम लिखते हैं बॉडी ऑफ द लूप में। उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है, अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है तब जाके ये जो स्टेटमेंट है वो नए से एग्जीक्यूट होगा। टिल कहां तक, जब तक जो कंडीशन फॉल्स नहीं निकलेगी तब तक जो बॉडी ऑफ द लूप है वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। आफ्टर दैट जब कंडीशन हमारी फॉल्स निकलेगी तब जाके हम जो लूप है उससे हम एग्जिट हो जाएंगे। हियर फर्स्टली द स्टेटमेंट इनसाइड लूप बॉडी आर एग्जीक्यूटेड एंड देन द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि स्टेटमेंट इनसाइड लूप बॉडी जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, आफ्टर दैट कंडीशन इवॉल्वेट की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू थी तब जाके क्या होता है कि अगेन द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। नोट दैट अनलाइक व्हाइल लूप हियर अ सेमीकोलन इज प्लेस्ड आफ्टर द कंडीशन। हमने सिंटेक्स में देखा, हमने व्हाइल लूप में क्या है कि जब हम व्हाइल लूप लिखते हैं कि वहां पे हम एंड ऑफ द स्टेटमेंट या जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं वो हम वहां पे नहीं लिखते हैं। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट, अगर हम व्हाइल लूप में सबसे पहले ही एंड ऑफ द स्टेटमेंट मीन सेमीकोलन वहां पे एंटर करेंगे दैट मीन्स हम वहां ही व्हाइल लूप को एंड करते हैं। इसीलिए जो डू व्हाइल है यहाँ पे हम व्हाइल के लास्ट में सेमी कोलन इसलिए यहाँ पे इंसर्ट करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे एंड करना पड़ता है, या जिसे हम कहते हैं सिंटेक्स को हमें यहाँ पे एंड करना पड़ता है। इन ए व्हाइल लूप फर्स्ट द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड एंड देन स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, वेयर एज इन डू व्हाइल लूप फर्स्ट द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड देन द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। ये जो है ये हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस करा है। सबसे पहले आपने अपना जो कोड एडिटर है, कोड ब्लॉक्स, वो आपने ओपन करा है। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी सी प्रोग्राम का, वो आपने सबसे यहाँ पे पहले लिखना है। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे अगर आपको फ्रॉम 1 to 10 प्रिंट करना है यूजिंग व्हाइल लूप,
सबसे पहले हमने ऑलरेडी देख चुके हैं और हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे यूजिंग डू वाइल लूप। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन सिंटैक्स है हैश इनक्लूड stdio, ये आपको ऑलरेडी हमने पिछले जो वीडियोस है उनमें डिस्कस करा है कि जब भी हमें किसी एसटीडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को अगर जब भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है तब जाके हम हैश इंक्लूड stdio लिखते हैं। उसके बाद हर कोई जो भी प्रोग्राम होता है उसमें एक फंक्शन होती है जिसे हम कहते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। मेन फंक्शन के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने नंबर को जो है वो प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 10। दैट मीन सबसे पहले हमें क्या लेना है कि हमें एक वेरिएबल लेना है। हम एक वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं, वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे हम इंट रखते हैं। इंट मीन्स क्या होता है कि 0, 1, 2। उसके बाद हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल में हम किसी नंबर को जो है वो स्टोर रखते हैं। यहाँ पे जो हम नंबर जो है वो हम इंटीजर टाइप का रख सकते हैं। हम यहाँ पे इंट आई इज्क्वल टू 1 एक नंबर लेंगे, उसके बाद सेमीकोलन यहाँ पे एंटर करेंगे। सेमीकोलन का मतलब यहाँ पे होता है कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट। आफ्टर दैट हम यहाँ पे सिंटेक्स लिखेंगे। सबसे पहले जो सिंटेक्स है, किसी भी सिंगल लाइन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए सबसे पहले हम डू लेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हमने क्या करना है कि हमने प्रिंट विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन हम किसी भी स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट एफ में क्या लेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे %d। परसेंटाइल डी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब भी हमें किसी इंटीजर को प्रिंट करना है तब जाके हमें परसेंटाइल डी लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं \t। \t का टी मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम चाहते हैं कि दो जो इंटीजर है उनके आपस में एक टैब की डिफरेंस रहनी चाहिए तब जाके हम \t लेते हैं। उसके बाद हम वही यहाँ पे वेरिएबल नेम देंगे जो हमने ऑलरेडी ऊपर जो है वो डिक्लेयर हमने करा होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि हम यहाँ पे while लेते हैं। while means यहाँ पे होती है कंडीशन। कंडीशन में हम क्या लेंगे कि जब भी 1 less than or equal to 10 हो तब जाके ये जो लूप है आप इसको रन करो। ये होता है तब कंडीशन जब हमें सिंगल स्टेटमेंट हो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो है हमने 1 to 10 यहाँ पे प्रिंट कराना है। उसके लिए मोर देन 1 स्टेटमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। मोर देन 1 स्टेटमेंट जब हमें लेने हो तब जाके हमने यहाँ पे ब्रेसेस डालने हैं। ब्रेसेस पे हमने सबसे पहले प्रिंट करना है। उसके बाद ये जो हमने आई लिया, सबसे पहले जो है आई में यहाँ पे क्या रहा है 1 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया। 1 देने के बाद वो यहाँ पे प्रिंट होगा 1। उसके बाद हमने क्या करना है आई को एक इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आई, उसके बाद प्लस क्या करेंगे 1। जब भी हमें 1 इंक्रीमेंट करना हो उसके बाद क्या होगा कि ये जो वाइल लूप है वो चेक करी जाएगी आई इज लेस देन 10। यस आफ्टर इंक्रीमेंट आई का जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन 10 विच इज अ ट्रू कंडीशन। एक बार जब आई का हमने प्रिंट कर दिया वैल्यू, उसके बाद जो हमारा आई का वैल्यू है वो 1 आ गया। 1 को जब हम एक बार इंक्रीमेंट करेंगे वो 2 बन जाएगा। उसके बाद ये वाइल लूप में कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन 10 विच इज ट्रू। उसके बाद क्या होगा कि नए से जो प्रिंट है आई को प्रिंट करेगा। इस टाइम जो हमारा प्रिंट है वो 2 आएगा, नेक्स्ट टाइम इसी तरह 3 आएगा, 4 अप टू 10। जब यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 10 वो भी कंडीशन ट्रू है तो वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लास्ट टाइम यहाँ पे जो आई का वैल्यू 11 है, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ पे जब कंडीशन आएगी विच इज फॉल्स। और उसके बाद ये जो सिंटेक्स है डू वाइल, हम इस लूप से जो है वो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे बिल्ड एंड रन करेंगे। बिल्ड एंड रन करने के बाद हमारा जो यहाँ पे रिजल्ट है वो फ्रॉम 1 to 10 यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। ड्यूरिंग लेक्चर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप हमें डायरेक्ट कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।